हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयदेव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लारावेल के अंदर V3 को यूज़ करके और पिनिया को यूज़ करके आप कुछ इस तरीके का कैसे एक क्रड ऑपरेशन आप बना सकते हैं। तो जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम पोस्ट का टाइटल लेंगे, डिस्क्रिप्शन लेंगे और एक बैनर इमेज ले लेंगे और इस इमेज को हम क्या करेंगे कि अपलोड करेंगे। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे अपने स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा स्टेट मैनेज होगा वो पिनिया के थ्रू होगा, जो कि एक Vuex का ही अल्टरनेट ऑप्शन हमें प्रोवाइड किया गया है। तो उस चीज़ का हम पूरा यूज़ करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप कैसे लोडर को आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि आप लोडर्स को आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं कोई इमेज चेंज कर रहा हूँ तो इसके अंदर आप देखेंगे कि एक जो है लोडर भी यहाँ पर चल रहा है। जैसे ही हमारा कोई डेटा लोड होता है, इमेजेस आपकी अपलोड हो रही हैं, साथ में डेट वगैरह भी आप देख पाएंगे यहाँ पर कि डेट कैसे यहाँ पर दिख रही है। साथ में आप आइटम्स को आप जो डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी पोस्ट है उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो यदि आप कुछ जंप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी टाइमिंग, जो कि है इंस्टॉलेशन V3 है, कहाँ से हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं पिनिया को और कहाँ से क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो लारावेल के प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पर रख रहा हूँ लारावेल V3 पिनिया क्रड करके। इसको हमें लारावेल के लेटेस्ट वर्जन पर हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लारावेल का लेटेस्ट वर्जन है अभी, उसको देखने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है PHP आर्टिजन अबाउट करके। तो मैं यहाँ लिखता हूँ PHP CD और पहले प्रोजेक्ट का नाम हमें लिखना रहेगा, उस फोल्डर के अंदर जाना रहेगा जिस नाम से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PHP आर्टिजन अबाउट। ठीक है, तो ये पूरे एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ यहाँ पर दिखाएगा कि यहाँ पर का जो वर्जन कौन सा है PHP का और लारावेल का वर्जन कौन सा, जो कि 9.25 है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि लारावेल के लेटेस्ट वर्जन्स के साथ में ये सब देखने को मिलेगा आपको। तो अभी हम V3 को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो V3 को इंस्टॉल करने के लिए आपको लिखना है npm install vue@next और vue_loader@next। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस तरीके से आपको इन दोनों पैकेजेस को आपको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपको npm इंस्टॉल करना है। ठीक है, इन दोनों को इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को सबलाइम के अंदर ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसको ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर हम जाएंगे, इसको देखो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। तो यहाँ पर यदि आप बॉटम में आएंगे तो आपको vite.config.js मिलेगी। ये अभी लारावेल के लेटेस्ट रिलीज के साथ में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि लारावेल के लेटेस्ट रिलीज के अंदर ये सब चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर वीट व्यू और एक हमारा जो प्लगइन है वीट व्यू का, उसको हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर इसको आपको क्या कहोगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर इस पैकेज को आपको इंस्टॉल करना रहेगा। तो यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा है npm install और vite करके, इसको आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, अब ये भी पैकेज हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब ये यहाँ पर बोल रहा है कि आप vite.config.js के अंदर आप ये चीज़ें आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसके बॉटम में यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं और प्लगइन वाले सेक्शन के अंदर आपको कुछ इस तरीके से व्यू आपको लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि ये यहाँ पर कंपाइल कर सके इस चीज़ को। तो अभी देखिए अपने यहाँ का काम हो चुका है vite.config का। अब हमें .env ओपन करना है और यहाँ से URL आपको चेंज करना है, वो URL जो आप यहाँ पर रन करने वाला है। तो जैसे कि मेरा इस केस में जो URL है वो है लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को लिखता हूँ और यहाँ पर अपने CMD पर आपको रन करना है npm run dev करके। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये कंपाइल कर देगा। ये देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो ऐप का URL है वो ये है और यहाँ पर होट रिलोडिंग के लिए क्या कर रहा है कि ये एक अलग से अपना पोर्ट खोल लेता है और वहाँ पर ये होट रिलोड का काम करता रहता है, जिससे कि आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर app.js के अंदर अभी ब्लैंक है, हम लोग यहाँ पर V3 के लिए इसको रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है इम्पोर्ट क्रिएट ऐप फ्रॉम व्यू, इसको व्यू इम्पोर्ट करते हैं और यहाँ पर हमें एक फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैंने फाइल क्रिएट नहीं किया बट फिर भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ इम्पोर्ट और मान लीजिए हमारी फाइल का नाम है पोस्ट करके। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम और एक हम फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे जो कि वो कॉम्पोनेंट के नाम से, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ post.view करके। अब इसी नाम से हम यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए फोल्डर का नाम हो गया हमारे यहाँ पर कंपोनेंट्स और उसके अंदर एक फाइल है हमारी जो है post.view करके। तो मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम हम यहाँ पर रख देते हैं post.view करके। इसके टेम्पलेट वाले सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ कंटेंट यहाँ पर लिख देते हैं जो कि हमें हमारे ब्राउज़र पर दिखना चाहिए, जो कि हैलो V3 करके। ठीक है, यहाँ पर आपको क्रिएट ऐप के अंदर आपको पास करना रहेगा जो आपने पोस्ट आपने बनाया हुआ है
और यहाँ पर आपको माउंट करना रहेगा। तो माउंट के अंदर आपको आईडी पास करनी रहेगी। अब ये आईडी उस चीज़ की है जिस आईडी के अंदर आप जो है अपने व्यू थ्री को लोड करना चाहते हैं। तो आपको टेम्पलेट वाले यहाँ पर जाना है, व्यू के अंदर जो आपका ब्लेड फाइल है वहाँ पर, और यहाँ से जो डमी कोड है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, जैसे कि मैं इस चीज़ को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और अभी आपको एक आईडी यहाँ पे क्रिएट करना रहेगा। तो आईडी आपको किस नाम से करना है, ऐप नाम से। तो यहाँ पर आपको एक बनाना है डेव और इसकी इसको एक आईडी दे देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐप नाम से दे दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे वीट के साथ में आपको रिसोर्सेज के अंदर जेएस फोल्डर के अंदर जो ऐप डॉट जेएस है उसको यहाँ पर आपको इंक्लूड करना रहेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ लिखा रिसोर्सेज जेएस और ऐप डॉट जेएस करके, अभी आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि पीएचपी आर्टिजन सर्व करने के लिए एक और सीएमडी ओपन कर लेते हैं, और यहां पर मैं रन करता हूं पीएचपी आर्टिजन सर्व, ठीक है। अभी आपका डेवलपमेंट सर्वर यहां पर स्टार्ट हो चुका है, तो मैं इसको सेव करता हूं और अपने ब्राउजर पर चल करके हम यहां पर लिखते हैं लोकल होस्ट 8000 पोर्ट। तो अभी देखिए कुछ लोड नहीं हो रहा है यहां पर, अपने CMD के अंदर देखते हैं कि ये रीलोड हो रहा है नहीं। ओके, मैंने यहाँ पे एंटर दबाया, ये रुक गया था यहाँ पर, बट अभी देखिए अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है हेलो व्यू थ्री करके, यानी कि अब आपका व्यू थ्री का जो प्रोजेक्ट है अब यहाँ पर रन हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि बूटस्ट्रैप की कुछ CDN उठा लेते हैं और उस CDN को हम लोग क्या करते हैं कि अपने ब्लेड फाइल के हेडर में डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर W3 स्कूल पर चलता हूँ और यहाँ से हम एक ट्राई पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हमें CDN मिल जाएगी बूटस्ट्रैप की, तो हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम क्या करेंगे कि इसी चीज़ को यहाँ पर उठा लेंगे, मैं ऐसे इसको कॉपी करता हूँ और इसको ब्लेड फाइल के अंदर डाल देते हैं यहाँ पर हेडर सेक्शन के अंदर, जो आपका हेड सेक्शन रहेगा अपना वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी का। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की चीज़ें भी हमने डाल ली है। अब यदि मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखिए हमें रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ी बल्कि ये ऑटोमेटिकली इसने रिफ्रेश कर लिया है। ओके परफेक्ट। तो अब हम क्या करते हैं कि अपने यहाँ पर पोस्ट डॉट व्यू के अंदर कुछ डिजाइनिंग कर लेते हैं, यानी कि जो HTML CSS है एक तरह से, तो हम बूटस्ट्रैप के हिसाब से कुछ यहाँ पर डिजाइनिंग कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रॉ क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर हमें कुछ कॉलम्स क्रिएट करने रहेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक कॉल SM8 करके हम बना लेते हैं और यहाँ पर उसके अंदर हम क्या करेंगे कि 6-6 का बना लेते हैं, तो कॉल SM6 कर लेते हैं। उसके अंदर हमें पूरा कार्ड क्रिएट करना रहेगा, जो अपना कार्ड रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक कार्ड बना लेता हूँ और मार्जिन टॉप हम 2 लेके चलते हैं, सभी कार्डों के बीच का ये रहेगा जो कि मार्जिन ले लेगा। और यहाँ पर हमें इमेज शो करना रहेगा, तो इमेज फिलहाल के लिए अभी कुछ नहीं, हम लोग एक डमी URL ले लेंगे, उसको फिर हम यहाँ डाल देंगे। फिर हम कार्ड बॉडी के अंदर हम क्या डालेंगे, जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कार्ड का टाइटल क्या है यहाँ पर। तो H4 के अंदर हम लोग यहाँ पर टाइटल डाल देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ये है हमारा कार्ड टाइटल, और यहाँ पे हम लोग फिलहाल के लिए लिख देते हैं पोस्ट टाइटल करके कुछ कंटेंट का, है ना। तो यहाँ डाल देते हैं पोस्ट टाइटल, और यहाँ पर हमें डेट की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर स्मॉल में डाल देते हैं। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि भाई ये है हमारा टेक्स्ट म्यूटेड, और यहाँ पर मान लीजिए डेट है 20 मिनट्स है को, ऐसे करके, है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इस तरीके से फिलहाल के लिए हम लोग डमी यहाँ पर कंटेंट डाल रहे हैं, और यहाँ पर पी टैग के अंदर जो उसका डिस्क्रिप्शन होगा वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये है मान लीजिए अपना कार्ड टेक्स्ट करके, और यहाँ पर हमने डाल दिया यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करके, ठीक है। तो अपना यहाँ पर पोस्ट टाइटल हो गया 20 मिनट टैगो, और यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। अब हमें क्या चीज़ करना रहेगा कि यहाँ पर कार्ड का फुटर यहाँ पर डिफाइन करना रहेगा। तो कार्ड का फुटर यहाँ पर डिफाइन करने के लिए आपको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं इसका, जैसे कि डिफ्लेक्स कर लेते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लेते हैं, यानी कि दोनों जो बटन होंगे वो हमारे बीच में होंगे एक तरह से। और यहाँ पे बैकग्राउंड और उसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे बॉर्डर 0 कर लेते हैं इसको, बॉर्डर टॉप 0, ठीक है। अब इसके अंदर हम 2 बटन बना लेते हैं, एक तो एडिट का हो जाएगा और एक डिलीट का। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ जो कि है बटन BTN, और यहाँ पे BTN डिफ़ॉल्ट रखते हैं एडिट वाले बटन को, और यहाँ पे बटन को स्मॉल कर देंगे, इस वाले बटन को जो अपना एडिट का बटन रहेगा, बटन स्मॉल, और यहाँ पर हम डाल देते हैं एडिट करके, इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। तो डिलीट करने पे जो हमारा डिफ़ॉल्ट है उसके यहाँ पर हमें यहाँ पे डेंजर करना रहेगा, तो मैं यहाँ पे इसको डेंजर कर लेता हूँ। तो ठीक है, अभी तक तो अपना लिस्टिंग का ये हो गया लगभग जितना हमें चाहिए था। अब हमें फॉर्म का क्रिएट करना रहेगा, तो फॉर्म हम यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे कि कॉल SM8 ऊपर है, तो यहाँ पर एक हम रॉ क्रिएट कर लेते हैं जो कि अल्टरनेट 4 के अंदर ही हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कार्ड बॉडी आपको क्रिएट कर लेना है, और कार्ड बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं कि एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए फॉर्म का जो मेथड रहेगा वो हमारा पोस्ट रहेगा, और इसकी बॉडी डिफाइन कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा फॉर्म है उसके जो फील्ड्स वगैरह के लिए।
तो यहाँ पर एक हम फॉर्म ग्रुप बना लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पे एक इनपुट ले लेते हैं। तो इनपुट के अंदर फर्स्ट हमारा रहेगा टेक्स्ट टाइप का, जो कि हमारा क्या रहेगा, अपना टाइटल रहेगा जो अपना पोस्ट है। नेम की हमें नीड नहीं रहती, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल और प्लेस होल्डर डाल देते हैं, जो कि होगा हमारा टाइटल करके, ठीक है। तो अपना एक इनपुट का हो गया, और दूसरा हमें क्या करना रहेगा कि अपने टेक्स्ट एरिया हमें क्रिएट करना रहेगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन के लिए। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हमें इसकी नीड नहीं है इनपुट की, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पे हमें टेक्स्ट एरिया लेना रहेगा, यहाँ पे क्लास हमें फॉर्म कंट्रोल डालना है, और इसकी रोज हम डिफाइन कर लेते हैं। तो रो मान लीजिए मैं रखता हूँ यहाँ पे 7 कर लेते हैं, और यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देते हैं, जो कि होगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करके इस तरीके से। और फिर इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। एक और हमें ज़रूरत रहेगी, जो कि है फाइल की, क्योंकि हमें इमेज भी अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पे इनपुट टाइप के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फाइल, और नेम यहाँ से हटा देते हैं क्लास, और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल। तो यहाँ पे फाइल का हम फिलहाल के लिए यूज़ नहीं करेंगे, अभी हम लोग पूरा फोकस रखेंगे अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन के ऊपर ही। और यहाँ पे हमें एक और बटन की जरूरत पड़ेगी, जो कि होगा हमारा सबमिट बटन का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन टाइप सबमिट, और क्लास बटन btn, ये हो जाएगा डार्क, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेव करके, ठीक है। तो अपना फॉर्म भी क्रिएट हो चुका है, यानी कि जो अपना डिजाइनिंग प्रोसेस है वो अपनी कंप्लीट है। यहाँ पर हमने क्या किया कि लिस्टिंग वगैरह डिफाइन कर दी जितनी भी है। अब इस इमेज के अंदर हम एक इमेज URL उठा लेते हैं किसी इमेज का, तो क्या करते हैं गूगल कर लेते हैं इसके लिए। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इमेज URL, या सिर्फ इमेज सर्च करते हैं, देखते हैं कोई एक इमेज यहाँ से मिल जाएगी हमें। इस इमेज को उठा लेते हैं जैसे कि, और इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, ओपन न्यू टैब, इसकी हम यहाँ पे URL कॉपी कर लेते हैं, और इस चीज़ को हम वहाँ पर सोर्स में डाल देते हैं इसके यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करते हैं, और यहाँ पर इसको हम यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी हमारी इमेज दिख रही है, लेकिन जो ये एडिट बटन है और जो डिलीट का बटन है, ये हमारा सेंटर में नहीं है। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं कि साइड बाय साइड कर लेते हैं, यानी कि डिलीट को अपने राइट साइड कर लेते हैं, और जो एडिट है उसको हम जो लेफ्ट साइड कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने फॉर्म के अंदर करना रहेगा, या यहाँ पर सेंटर के अंदर, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इसको बिटवीन करके इस तरीके से। तो अब देखिए अब साइड बाय साइड हो गए, यानी कि एडिट इस तरफ और डिलीट इस तरफ। तो अभी देखिए अब हमारा यहाँ पे कंटेंट हो चुका है, अब हमें इस फॉर्म को यहाँ पे वर्क के हिसाब से करना रहेगा। तो इस चीज़ के लिए हमें चलना रहेगा अपने पीनिया की वेबसाइट पर। तो अपन लोग चलते हैं यहाँ पे पीनिया व्यू के अंदर, और इसकी जो लिंक है, यानी कि इसके इंस्टॉलेशन की जो लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च पे जा करके आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन आपको यहाँ पे सर्च करना है, और यहाँ पर देखिए ये बता देगा कि आपको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो इसको आपको कॉपी करना है, और यहाँ पर मैं इसको ब्रेक करके फिलहाल, तो अभी देखिए अभी इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है कि npm run dev वापस से चला देना, ताकि ये क्या करे कि आपके जो भी एक्टिविटी है उसको देखता रहे, और वहाँ पर आपके रीलोड करता रहे आपके पेज को। यहाँ पर आपको main.js यानी कि जो app.js है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको पीनिया को इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको लिखना है इंपोर्ट पीनिया फ्रॉम पीनिया करके, ठीक है। इसके इंपोर्ट होने के बाद आपको क्या होना होगा कि इसको व्यूज के साथ में आपको इंटीग्रेट करना रहेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है यूज, और यहाँ पे पीनिया जो आपने इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये पीनिया के साथ में आपको स्टोर क्रिएट करना रहेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि स्टेट मैनेज करना चाहते हैं इसके साथ में। तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर क्रिएट करना रहेगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको स्टोर, और मान लीजिए इसके अंदर एक और फोल्डर है जो कि है पोस्ट के नाम से, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसको पोस्ट। और यहाँ पर आपको एक फाइल क्रिएट करनी रहेगी, तो मान लीजिए फाइल का हम नाम रखते हैं यहाँ पर न्यू फाइल, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको पोस्ट डॉट js करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टोर के सब कुछ लिखना रहेगा। इसको हम रीनेम कर लेते हैं, इसको स्टोर कुछ ऐसा लिखते हैं पोस्ट स्टोर करके, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं पोस्ट स्टोर डॉट js। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको इंपोर्ट करना है सबसे पहले, तो इंपोर्ट डिफाइन, और यहाँ पर आपको स्टोर करना रहेगा फ्रॉम पीनिया। तो ये हमें हेल्प करेगा अपने स्टोर को सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे अपने फाइल का नाम जो आपने रखा हुआ है पोस्ट स्टोर करके, या जो मेथड आप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। फाइल का नाम नेमिंग कन्वेंशन के साथ में रहता है तो सही है। और यहाँ पर डिफाइन स्टोर के अंदर आपको सबसे पहले ID पास करनी है, तो मेरे केस में यहाँ पर क्या है पोस्ट, यानी कि हमारे केस में यहाँ पर पोस्ट है। और यहाँ पर आपको स्टेट डिफाइन कर लेना है,
स्टेट यानी कि जो वेरिएबल्स हैं आपके, जो भी आप वेरिएबल्स आप अपने इसके साथ में यूज़ करना चाहते हैं अपने स्टोर के अंदर, वो सारे वेरिएबल्स आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे यानी कि स्टेट के अंदर। फिर आता है आपका गेटर्स, यानी कि जो भी डेटा आप जब फैच करना चाहते हैं, है ना, अपने टेम्पलेट के अंदर, यानी कि टेम्पलेट से यदि आप स्टोर को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप गेटर्स को आप यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर आता है आपका एक्शंस, और एक्शंस के अंदर जो भी आपको एक्शन लेना होता है, एक्शन इन द सेंस कि आपको जैसे कोई पोस्ट है उसको आपको स्टोर करना है, है ना, तो यहाँ पर पोस्ट आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे स्टेट के अंदर, और फिर इसी पोस्ट के अंदर डेटा डालने के लिए आप जो है एक्शन का यूज़ करेंगे, जहाँ पर आप जो है API कॉल्स करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर पोस्ट डॉट व्यू के अंदर यदि आपको यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पर लिस्टिंग वगैरह का आप यूज़ करेंगे, है ना, कि आपको कार्ड टाइटल के अंदर आपको सभी टाइटल्स दिखें, डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन दिखें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फैच करना होगा डेटा। तो यहाँ पर मान लीजिए आप जो एक फंक्शन बनाते हैं कि मुझे फैच पोस्ट नाम का एक फंक्शन है, या फैच आइटम्स नाम का है, जो भी आप नाम देना चाहें इसको आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर फैच पोस्ट लिख देता हूँ, और इसको यदि आपको फैच करना है यानी कि जो भी आप लिस्टिंग में डेटा दिखाएंगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी API कॉल्स वगैरह हैं वो सब कुछ। फिर आपको ऐड करना है पोस्ट, मान लीजिए तो यहाँ पर आपने लिखा कि ऐड आइटम करके, फिर आपको डिलीट करना है, ऐसे आपको अपडेट करना है, एडिट करना है, वो सभी फंक्शंस आप क्या करें कि यहाँ पर आप जो डिफाइन कर सकते हैं एक्शंस के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्सियोस के साथ में जो भी आप API कॉल्स करेंगे वो सब आप स्टोर के अंदर कर सकते हैं। फिर आता है आपका फॉर्म यहाँ पर, तो मान लीजिए हम सबसे पहले फॉर्म को हैंडल करते हैं, तो यहाँ पर आप जो क्या करेंगे कि सबमिट, प्रिवेंट, और यहाँ पर फॉर्म यानी कि जो भी आप फंक्शन हिट करना चाहते हैं, जैसे फॉर्म हमारा सबमिट होता है तो आपने मान लीजिए हिट किया ऐड आइटम करके इस फंक्शन को, तो यहाँ पर जो ऐड आइटम है इसको आपको इम्पोर्ट करना रहेगा सबसे पहले उस स्टोर को अपने इस पोस्ट डॉट व्यू के साथ में, कि यहाँ पर हम लोग इस स्टोर को यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए आपको वी मॉडल की आवश्यकता पड़ेगी सबसे पहले, तो यहाँ पर जो इनपुट बॉक्स है उसके साथ में आपने वी मॉडल आपने अटैच कर लीजिए मान लीजिए, और यहाँ पर वी मॉडल यहाँ पे सबसे पहले आपने टाइटल और फिर यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन डाल दिए। अब ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं इनको आप डिफाइन यदि आप चाहें तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं अपने टेम्पलेट के अंदर, या फिर आप चाहें तो अपने स्टोर के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल को हम अभी रहने देते हैं, फाइल को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए हम जो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक तो टाइटल है और एक डिस्क्रिप्शन है। अब इन दोनों वेरिएबल्स को हमें कहीं ना कहीं डिफाइन करना है, तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं अपने स्टेट के अंदर डायरेक्ट। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइटल दिया और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर नल वैल्यू रहेगी, सेम चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है डिस्क्रिप्शन और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपके नल वैल्यू रहेगी, यानी कि जो आपका यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन है इसको आपको कनेक्ट करना रहेगा इस पोस्ट के साथ में, यानी कि इस फॉर्म के साथ में। अब इसको कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना रहेगा, तो यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट टैब के अंदर आपको यहाँ पर लिखना है सेटअप करके, है ना, स्क्रिप्ट के अंदर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सेटअप, और फिर इसके अंदर आप जो है सब कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से जैसे कि आप व्यू 2 में आप करते थे कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब व्यू 3 ऐसे यदि आपको फीचर प्रोवाइड कर रहा है तो आप यहाँ पर शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि स्क्रिप्ट सेटअप, और उसके अंदर आपको इंपोर्ट करना है स्टोर टू रेफ्स करके, यानी कि जो भी आपके रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि आपने व्यू 3 के अंदर आपने यूज़ किए होंगे, तो उस चीज़ के लिए आप जो कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे, और यहाँ पर आप जो इंपोर्ट करेंगे अपना पोस्ट स्टोर, तो यहाँ पर ये कैपिटल है इसको कैपिटल कर लेता हूँ, पोस्ट स्टोर फ्रॉम और अपने स्टोर का पाथ, है ना, तो स्टोर का पाथ आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं स्टोर और यहाँ पे पोस्ट और फिर अपने यहाँ पे स्टोर का नाम जो कि अपने केस में पोस्ट स्टोर करके, ठीक है। तो अभी हमने अपना स्टोर यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, अब हमें क्या करना रहेगा अपने वेरिएबल्स को यहाँ पे इंपोर्ट करना रहेगा। तो अब वेरिएबल्स को इंपोर्ट करने के लिए यानी कि जो भी आपके स्टेट के अंदर जो वेरिएबल है उनको इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना रहेगा कॉन्स्ट पोस्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये तीनों चीज़ें हमने वहाँ पर लिखी हुई है, इसको हमें इंपोर्ट करना है, तो आपको यहाँ पे स्टोर टू रेफ्स का आपको यूज़ करना रहेगा, और इसके अंदर आपको पोस्ट स्टोर आपको पास कर देना है कि इस स्टोर के मुझे सभी स्टेट की जो वैल्यूज है यानी कि जो वेरिएबल्स है वो मुझे यहाँ पर चाहिए। तो टाइटल हमने यहाँ पर देखे टाइटल को यूज़ कर लिया, और डिस्क्रिप्शन का हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का यूज़ कर लिया। सेम चीज़ हम पोस्ट के लिए भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा पोस्ट है उसके अंदर लिस्टिंग का डेटा रहेगा, तो वो सब हम क्या कर सकते हैं कि अपने लिस्टिंग में शो कर सकते हैं पोस्ट के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा पोस्ट है यहाँ पे एरे की फॉर्म में है, तो वो चीज़ भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। तो अभी जो हमारा ऐड आइटम है उसके अंदर हमें क्या करना रहेगा कि आइटम को ऐड करना रहेगा, यानी कि उसको भी हमें इंपोर्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर उसको इंपोर्ट करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे कॉन्स्ट और यहाँ पे ऐड आइटम, और ये आप डायरेक्टली आप पोस्ट स्टोर से आप जब फैच कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है इक्वल टू
और यहाँ पे पोस्ट स्टोर जो अपना मेथड है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है स्टोर के अंदर आप जो डेटा ऐड कर सकते हैं। तो अब जो भी आपको डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी रहेगी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखाता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे दिस डॉट टाइटल मैंने यहाँ पर रखा। दिस डॉट टाइटल यानी कि जो भी अपना जो अपना स्टोर के अंदर है, जो भी अपने स्टेट के जो वेरिएबल्स हैं उसके लिए है। यहाँ पर देखिए कुछ एरर आ रहा है, इसको अभी हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं कि क्या एरर है। तो कंसोल डॉट लॉग करते तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि पोस्ट स्टोर डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम पोस्ट स्टोर करके। ओके, तो यहाँ पर हमें डिफॉल्ट हटाना रहेगा और यहाँ पर लिखना रहेगा कॉन्स्ट, क्योंकि हम उसको कर्ली ब्रेसिस में उसको हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए नीचे पोस्ट स्टोर करके इस तरीके से। तो अभी हम इसको सेव करते हैं और इसको फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अब आ रहा है कि भाई पिनिया इज नॉट डिफाइंड इन ऐप डॉट जे एस के अंदर। तो ऐप डॉट जे एस के अंदर पिनिया ना होकर के हमारा यहाँ पे क्रिएट पिनिया है ना, उसको हमें इम्पोर्ट करना था, बट हमने गलत नाम वहाँ पे दिया है, उसको भी हम सही करते हैं। चलते हैं ऐप डॉट जे एस के अंदर, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट, इसको सेव करते हैं और वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमें सब डेटा दिख रहा है। ओके ठीक है, परफेक्ट। अभी हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कुछ डेटा डालते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला टेस्ट टाइटल और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर, या इसको सेव करेंगे तो यहाँ देखिए टेस्ट टाइटल आपको मिल रहा है, यानी कि कंसोल डॉट लॉग हमारा यहाँ पे चल रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा स्टोर है अब हमारा वो कनेक्टेड है अपने टेम्पलेट के साथ में, जो अपना फ्रंट एंड एक तरह से उसके साथ में। अब यहाँ पर हम लोग चेक करें कि अगर टाइटल नॉट नल होता है, यानी कि अगर वो खाली नहीं है, और साथ में डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन भी हमारा खाली नहीं रहना चाहिए, तो उस केस में हमें क्या करना है कि एक एपीआई कॉल करनी है। एपीआई कॉल हमें क्या करना है कि एक्सियोस के साथ में हमें करना रहेगा, है ना, जो अपना टाइटल यहाँ पर हो गया और डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसके साथ में हमें एक एपीआई कॉल करनी रहेगी। तो यहाँ पर हमारा हो गया एड पोस्ट और यहाँ पर एक्सियोस पोस्ट और यहाँ पर यूआरएल, यानी कि जो एपीआई है, एपीआई है मान लीजिए यहाँ पर पोस्ट करके, अभी हमने क्रिएट नहीं किया है बट मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। और यहाँ पे डेटा आपको प्रोवाइड करना रहेगा, फॉर्म डेटा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया जो कि है फॉर्म डेटा, और उसके अंदर हमने ये सभी चीज़ें डाल दी जो कि है हमारा टाइटल। हम यहाँ पे टाइटल पास कर रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमारा टाइटल, टाइटल के अंदर दिस डॉट टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर दिस डॉट डिस्क्रिप्शन। अच्छा, दिस डॉट टाइटल और दिस डॉट डिस्क्रिप्शन, ये जो दोनों चीज़ें वो हमारी स्टेट से आ रही हैं। तो अब हम डायरेक्टली इसको स्टेट से एक्सेस कर रहे हैं और यहाँ पर हमें फॉर्म डेटा पास कर देना है पोस्ट मेथड के अंदर। और जैसे ही हमें रिस्पांस मिलता है तो उसको हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं कि हमें क्या रिस्पांस देखने को मिल रहा है अपने बैकएंड से, यानी कि जो हमारी एपीआई उसके साथ में। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अभी हमें एक्सियोस को यहाँ पे इंपोर्ट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। तो एक्सियोस हमने इंस्टॉल नहीं किया है बल्कि ये बाय डिफॉल्ट हमें मिल गया यहाँ पे व्यू 3 के साथ में। तो यदि मैं यहाँ पे पैकेज डॉट जेएसन के अंदर आपको दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पे एक्सियोस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके ठीक है, तो अभी हमें ये एपीआई बनानी रहेगी। तो इस एपीआई को बनाने के लिए हमें लारावेल के एंड पे कुछ करना रहेगा। तो एक और हम यहाँ पे सीएमडी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पीएचपी आर्टिजन मेक मॉडल और पोस्ट डाल देते हैं मॉडल का नाम, और माइग्रेशन चाहिए और एक रिसोर्स चाहिए, यानी कि जो हमारा कंट्रोलर है वो चाहिए। तो आर लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए मॉडल और माइग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही यहाँ पर रिसोर्सफुल भी, रिसोर्स कंट्रोलर भी हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए हम लोग माइग्रेशन यानी कि जो हमारा डेटाबेस है उसमें कुछ टेबल्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। तो मान लीजिए पोस्ट के टेबल के अंदर हमें टाइटल यहाँ पे एक रहेगा और एक यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट टाइप का ले लेते हैं डिस्क्रिप्शन। ओके, और यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं। अब जो हमारी इमेज रहेगी वो हमारी नलेबल रहेगी, यानी कि बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कोई डेटा नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर देता हूँ कि ये हमारी नलेबल है। ठीक है, अब हमें अपने मॉडल को ओपन करना रहेगा। तो इसको हम लोग ऐप के अंदर चलेंगे, मॉडल्स के अंदर यहाँ पे पोस्ट डॉट पी एस पी मिलेगी और यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा कि जो भी अपने फिलेबल प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो अपना कंट्रोलर है, यहाँ पर देखिए रिसोर्सफुल कंट्रोलर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि सभी मेथड्स आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करें कि पोस्ट गेट कर ले रहे हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं कि इसको ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं, है ना। तो ऑर्डर बाय आई डी और यहाँ पर डिसेंडिंग डाल देते हैं, DESC कैपिटल ले लेते हैं और यहाँ पे गेट कर लेते हैं। अब इसको हम रिटर्न कर देते हैं। तो हमने रिटर्न लिखा कि रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन और यहाँ पे हमने पोस्ट को पास कर दिया। तो जो भी हमारा डेटा रहेगा वो हमारा यहाँ से पास हो जाएगा लिस्टिंग के लिए। साथ में हमें स्टोर के लिए करना रहेगा क्योंकि हमें डेटा सेव भी करना है। तो सेव कर देते हैं, मैं यहाँ पे वैलिडेशन नहीं कर रहा हूँ। आप चाहेंगे तो आप यहाँ पे वैलिडेशन के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट क्लास को और एक्सटेंड कर सकते हैं।
और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अपनी वैलिडेशन लिख देते हैं, जैसे कि सॉरी यहाँ पे ऐड करने का जो कोड है वो हम डाले। तो यहाँ पर हमने डाला यहाँ पे क्रिएट के लिए रिक्वेस्ट टाइटल, और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने डाल दिया रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन करके, ठीक है। अभी क्या होगा कि जो हमारा क्रिएट मेथड है इसको यूज करने के लिए आपको मॉडल के अंदर यहाँ पे फिलेबल प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करनी रहेगी, तो इसको बोलते हैं मास असाइनमेंट। तो या तो आप फिलेबल प्रॉपर्टी आप डिफाइन कीजिए या फिर आप गार्डेड यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिलेबल के अंदर आपको ये सब लिखना रहेगा कि आप कौन कौन सी फील्ड्स आप फिलेबल बनाना चाहते हैं। गार्डेड के अंदर ये रहता है कि आप इसी का जस्ट अपोजिट होता है बेसिकली। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे सेमी कोलन लगाते हैं और यहाँ से रिटर्न रिस्पांस भेज देते हैं, जो कि होगा हमारा जेसन की फॉर्मेट में कि पोस्ट क्रिएटेड, यानी कि जो हमारा पोस्ट है वो हमारी क्रिएट हो चुकी है। ओके ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हमारा कोड हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे डेटाबेस हमें कनेक्ट करना रहेगा, तो डेटाबेस अभी तक हमने किया नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको डीबी टेस्टिंग हमने एक ऑलरेडी बना रखा है मैंने, और यहाँ पे रूट आपको यूजर नेम इन्फॉर्मेशन देनी रहेगी। अब यहाँ पर आप इसको माइग्रेट कर लीजिए, तो माइग्रेट करने के लिए आपको लिखना रहेगा PHP artisan migrate, और मैं यहाँ पे फ्रेश कीवर्ड पास कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी इस टेबल्स के अंदर शायद कुछ डेटा होगा। तो अभी देखें यहाँ पे माइग्रेशन वगैरह हो चुकी है हमारे। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक आइटम डाल के चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि टेस्ट टाइटल, और यहाँ पे हो गया हमारा टेस्ट डिस्क्रिप्शन करके। अभी हम इसको सेव पे क्लिक करते हैं, तो अभी देखिए आ रहा है कि भाई 404 का एरर आ रहा है, KPI नॉट फाउंड। वो ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने राउट्स डिफाइन नहीं किए, API हमने बनाया ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको राउट्स फोल्डर के अंदर API.php के अंदर जाना रहेगा, और यहाँ पर आपको अपने सभी राउट्स को डिफाइन करना रहेगा। तो इस केस में क्या है कि राउट रिसोर्स, और यहाँ पे पोस्ट, और यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर आपको पास कर देना है क्योंकि रिसोर्सफुल कंट्रोलर है, हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक डिफाइन करना है और उसी के अंदर आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको पास देना रहेगा जो आपका कंट्रोलर है, तो मैं आप लेता हूँ HTTP कंट्रोलर्स, और यहाँ पर कंट्रोलर का नाम। ओके अब इसको सेव करते हैं, वापस से हम चलते हैं यहाँ पर, और एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप्शन फिलअप कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइटल में डाला टेस्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन, टेस्ट डिस्क्रिप्शन, और इसको हम करते हैं यहाँ पे सेव, हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे पोस्ट क्रिएटेड करके हमें रिस्पांस मिल रहा है, यानी कि जो हमारी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। हमारे डेटाबेस के अंदर एक डेटा जा चुका है, बट ये फॉर्म हमारा क्लियर नहीं हुआ सबसे पहली चीज़, तो ये चीज़ भी हमें हटानी रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये फॉर्म क्रिएट हुआ है इसका जो डेटा होगा वो हमें डिस्प्ले भी करना रहेगा अपने व्यू पे, कि हमारा एक पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए जो आपका पोस्ट है उसके लिए आपको यहाँ पे लूप वगैरह चलानी रहेगी यहाँ से, ठीक है, ताकि वो कार्ड के अंदर जो भी डेटा है वो वहाँ पे फिलअप कर सके। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फैच पोस्ट का आपको कॉन्सेप्ट आपको लाना रहेगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि दिस डॉट पोस्ट को सबसे पहले यहाँ पे ब्लैंक करना रहेगा, और यहाँ पर ट्राई एंड कैच में आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको हटा भी सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ट्राई एंड कैच में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका पोस्ट जो है वो जो है अवेट एक्सियोस डॉट गेट रिक्वेस्ट रहेगी, और वहाँ पर जो API रहेगी वो रहेगी API पोस्ट करके। तो यहाँ पर आपको लिखना है API पोस्ट, और यहाँ पर साथ में आपको जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर आप कोई डेटा पास नहीं कर रहे हैं, तो जो भी आपको रिस्पॉन्स वहाँ से मिलेगा उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई डिश डॉट पोस्ट के अंदर आपको पोस्ट का जो भी डेटा रहेगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपके API से डेटा आएगा वो सब चीज़ें आप यहाँ पे दिस डॉट पोस्ट के अंदर आप डाल सकते हैं, और यहाँ पे कैच के अंदर आप डाल सकते हैं कि जो भी आपका एरर आता है उसको आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, यानी कि एक और आप यहाँ पे स्टेट बना करके आप उसको डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉक कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और यहाँ पे फाइनली कीवर्ड है, इसके अंदर क्या होगा कि यदि आपका ट्राई कैच ट्राई चलता है या कैच ब्लॉक दोनों में से कोई भी चल जाता है उसके बाद फाइनली आपका चलना ही है। तो यहाँ पे लोडर वगैरह यदि आप बनाते हैं तो आप लोडर को यहाँ पे डाल सकते हैं कि यहाँ पे फॉल्स कर देना लोडर को, है ना। तो अब ये जो फैच पोस्ट है इसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना रहेगा जो आपका पोस्ट स्टोर है। तो यहाँ से मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको फैच कर लिया। अभी हम क्या करते हैं कि जब हमारा फैच स्टोर पोस्ट हो चुका है तो यहाँ पर आपको कार्ड के अंदर क्या करना रहेगा कि एक लूप चलाना रहेगा। तो यहाँ पर आपने लिखा वी पोस्ट वी फॉर पोस्ट इन पोस्ट, और यहाँ पे की आपने पास कर दी यहाँ पे मान लीजिए post.id, और यहाँ पे इमेज के तौर पे आपने क्या किया कि यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं कि अगर वी इफ अगर पोस्ट के अंदर अगर इमेज होती है तो ही ये वाला ब्लॉक हमारा रन हो। मैंने लिखा post.image और यहाँ पे उसकी बॉडी हो गई। तो बॉडी के तौर पे हम इसको क्या करते हैं कि डायनेमिक कर देते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर हो गया post.title, है ना, और डेट को हम बाद में करेंगे, अभी डिस्क्रिप्शन को हम कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि post.description इस तरीके से। ओके अभी हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन। ओके स्पेलिंग सही कर लेते हैं।
बटन्स को हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे शायद कुछ एरर है, एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, डेटा नहीं आया। डेटा इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने क्या किया कि जैसे ही हमारा टेम्पलेट लोड हो रहा है, हम लोग फैच पोस्ट को हम लोग कॉल नहीं कर रहे। तो जैसे ही हमारा टेम्पलेट लोड होता है, हम चाहते हैं कि जो हमारा फैच पोस्ट हो वैसे ही कॉल हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हम इसको कॉल कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमें डेटा मिल रहा है, टेस्ट टाइटल और टेस्ट डिस्क्रिप्शन जो भी हमने वहाँ पर ऐड किया था वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यानी कि अब हमारा डेटा जो है वो लिस्टिंग भी हो रहा है और साथ में हम डेटा को हम ऐड भी कर पा रहे हैं, है ना। अभी हमारा एडिट बटन नहीं चल रहा, तो एडिट बटन को चलाने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एडिट बटन है उसके क्लिक पे हम एक इवेंट कर सकते हैं, जैसे कि ऑन क्लिक पे हम एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे यूजर ने इस पर क्लिक किया तो वैसे ही हमने एक फंक्शन कॉल कर लिया जो कि है एडिट आइटम, और उसके अंदर हमने पास कर दिया अपना पोस्ट डॉट आईडी करके। ओके, तो जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करेगा वैसे ही हमें एक एडिट यहाँ पे करके बनाना रहेगा सेम नाम से फंक्शन। तो यहाँ पर एडिट आइटम करके हमने फंक्शन बनाया और यहाँ पे आईडी हमने एक्सेप्ट कर ली। तो जो भी वहाँ से आईडी यूज़र भेजेगा वो आईडी यहाँ पर हमें मिलेगी, और यहाँ पर हमें क्या करना है कि अपने पोस्ट के अंदर से उस आइटम को हमें निकाल करके अपने फॉर्म के अंदर डालना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है दिस डॉट पोस्ट, यानी कि जो आपका स्टेट है पोस्ट के अंदर से आपको फाइंड करना है। पोस्ट डॉट आईडी अगर इक्वल टू होती है इस आईडी के, यानी कि जो आपका पोस्ट आईडी है वो इस आईडी से मैच करनी चाहिए, है ना। तो अगर हमें डेटा मिलता है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि इफ़ अगर हमें पोस्ट मिलती है यहाँ पर, तो हमें क्या करना है कि दिस डॉट टाइटल के अंदर, यानी कि जो हमारा फॉर्म है, है ना, उस फॉर्म के इनपुट बॉक्स के अंदर आप क्या करो कि पोस्ट का जो टाइटल है वो आप डाल दो, ठीक है। सेम चीज़ हमें क्या करना रहेगा अपने डिस्क्रिप्शन के लिए भी करना रहेगा। तो दिस डॉट डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप क्या करो कि जो अपना पोस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन। ओके, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करते हैं, और ये जो एडिट आइटम है उसको हमें कॉल भी करना रहेगा क्योंकि अभी ये वर्क नहीं करेगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके, तो अभी बोला कि एडिट आइटम इज नॉट फंक्शन। वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर इसको नीचे इंपोर्ट नहीं किया है। तो इसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना रहेगा, आपने यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे एडिट आइटम। अब आप इसको एडिट पे यदि आप क्लिक करेंगे, एडिट आइटम इज नॉट अ फंक्शन ऐसा नहीं आना चाहिए। ओके, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या इशू है। ऑन क्लिक पर यहाँ पर हम आईडी भेज रहे हैं। ओके, इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, शायद पिनिया हॉट रीलोड नहीं हो पा रही। ओके, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर डेटा देखिए मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर रीलोड करना पड़ा पेज को, और यहाँ पर टेस्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा अपडेटेड करके, और यहाँ पर यदि मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर क्या हुआ, पोस्ट क्रिएट हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है। वो अपडेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम एडिट आईडी हम लोग मैनेज नहीं कर रहे कि किस आईडी के लिए आपको अपडेट करना है। अपडेट का की फंक्शन हमने अभी लिखा ही नहीं है, है ना। तो जो हमारा फंक्शन है हम क्या करते हैं कि सेम फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं जो कि होगा एडिट आईडी करके। तो एडिट आईडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, यदि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, इट मीन्स कि यूज़र एडिट करना चाहता है, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा एडिट आइटम है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि दिस डॉट एडिट आईडी, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम पोस्ट डॉट आईडी हम यहाँ पर डाल देते हैं, या तो हम डायरेक्ट आईडी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही एडिट आईडी के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन आती है, यानी कि कोई आईडी अगर होती है, तो पता चल जाएगा कि यूज़र क्या है कि एडिट करना चाहता है। तो सेम अगर हम यूज़ करें यहाँ पर, तो मान लीजिए कि यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आपने डेटा डाल दिया और हम सेम मेथड हम यूज़ करना चाहते हैं ऐड आइटम का, वैसे ही हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि यूज़र जैसे ही यहाँ पर एडिट पर क्लिक करता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया और यहाँ पर मैंने एडिट पर क्लिक किया, यहाँ पर जो भी हमारा डेटा है वो यहाँ पर आएगा, लेकिन सेव बटन चेंज नहीं होगा, बल्कि सेव बटन हमारा चेंज होके अपडेटेड होना चाहिए। यानी कि आप यूज़र आप जो है डेटा को आप अपडेट कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एडिट आईडी के अंदर यदि कुछ चीज़ होती है, यानी कि कोई अगर आईडी अगर पोस्ट के किसी आईडी अगर है एडिट आईडी के अंदर, तो आपको अपडेट दिखाना है, अदरवाइज आप यहाँ पर ऐड दिखा सकते हैं, है ना, ऐड या सेव जो भी आप दिखाना चाहें। तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर वो सेव रहेगा, अदरवाइज वहाँ पर जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करते हैं तो वो क्या करेगा कि वहाँ पर आपको अपडेट बटन पे टेक्स्ट दिखाएगा। आपको यहाँ पर एडिट आईडी भी आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो हम एक वेरिएबल यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हम एक वेरिएबल मैनेज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अपडेट आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एडिट पर क्लिक किए हैं। देखिए एडिट पर क्लिक किया, अपडेट आ रहा है। अभी हम क्या करते हैं कि इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए बाय डिफॉल्ट ये सेव आएगा, यहाँ देखिए सेव का आ रहा है। अब मैंने एडिट पर क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर अपडेट आ रहा है ना।
तो क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना रहेगा, या दो दो बटन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक सिंगल बटन से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, आपको सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है। ओके, तो अभी क्या होगा कि जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है वो ऐड आइटम पे आएगा, तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि अगर दिस डॉट एडिट आई डी का जो डेटा है अगर वो ग्रेटर देन अगर जीरो से होता है, यानी कि उसके अंदर कोई एक आई डी होती है, तो हमें यहाँ पर अपडेट करना है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि आपको ऐड करना है एल्स, और यहाँ पर ये वाला कोड उठा करके हम लोग क्या करते हैं कि एल्स वाले सेक्शन में डाल देते हैं। परफेक्ट, तो अब क्या होगा कि एक ही फंक्शन से हम दोनों काम कर पा रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं अपने अपडेट के लिए जो भी हमारा डेटा रहेगा, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ क्योंकि सेम है, और यहाँ पर आकर के हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ये हमने क्या पेस्ट, और यहाँ पर पोस्ट की जगह पर हम लोग डालेंगे पुट मेथड और फॉर्म डेटा, ठीक है। और यहाँ पर आपको आई डी पास करना है ना, कि कौन सा पोस्ट आपको अपडेट करना है, तो यहाँ पर ए पी आई के अंदर आपको पास करना है दिस डॉट एडिट आई डी, कि हमें इस आई डी को हमें पुट मेथड के थ्रू हमें अपडेट करना है, राइट। तो अभी क्या होगा कि जो भी हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पर आएगा, आने के बाद हमें क्या करना है कि एक और हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा रीसेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन डाल देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर रीसेट नाम का है, तो फॉर्म डॉट रीसेट, और रीसेट होने पे इन सभी वेरिएबल्स को हमें क्या करना है कि रीसेट कर लेना है, आई डी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस डॉट एडिट आई डी हमारी नल हो जानी चाहिए, है ना। सेम चीज़ हम लोग लिखेंगे दिस डॉट टाइटल के लिए हमारी नल, और दिस डॉट डिस्क्रिप्शन, यानी कि इन तीनों वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे कि रीसेट कर देंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ऐड करते टाइम भी हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हम लोग पेस्ट कर देंगे दिस डॉट फॉर्म रीसेट, जैसे ही एडिट हो जाता है, यानी कि जैसे ही अपडेट होता है हमारा डेटा। और यहाँ पर हमें ए पी आई के अंदर चेंजेस करना रहेगा, यानी कि अपडेट के अंदर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो भी हमारा पोस्ट है उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन को हमें यहाँ पे चेंज करना है। तो मान लीजिए पोस्ट का टाइटल हमने डाल दिया यहाँ पे रिक्वेस्ट और टाइटल, फिर इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, और यहाँ पे टाइटल की जगह हम कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर अब हम इसको सेव कर लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा पोस्ट सेव और रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, यानी कि सक्सेसफुली अपडेटेड, या जो भी आप यहाँ पर कंटेंट लिखना चाहें पोस्ट अपडेटेड करके लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो अपडेट का फंक्शन है वो एपीआई है, वो भी अब हमारी सही चल रही है। अब हम एडिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे मान लीजिए कि 1 डाला है, और हम इसको करते हैं अपडेट। तो अब देखिए यहाँ पे पोस्ट अपडेटेड, यानी कि अपडेट हो चुका है, बट यहाँ पे देखिए नहीं आया, अपडेट नहीं आया। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तब जा करके आपको यहाँ पे अपडेटेड आइटम दिख रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि यूज़र ने जैसे ही अपडेट किया वैसे उसको लिस्टिंग में भी इफेक्ट दिखना चाहिए। तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फैच पोस्ट है हम उसको कॉल कर सकते हैं, जैसे यूज़र अपडेट करता है या डिलीट करता है या कोई ऐड करता है, तो उस केस में क्या होगा कि एपीआई दोबारा से कॉल होगी फैच वाली, और वो दोबारा से सभी आइटम्स को वो फैच कर लेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया और 1 की जगह पर हमने लिखा कि विद रियल टाइम इस तरीके से, और हम करते हैं यहाँ पे अपडेट। ओह अभी भी नहीं हुआ, इसको हमें रिफ्रेश करना रहेगा क्योंकि पीनिया शायद ढंग से वो रिलोड नहीं हो पा रही है, मेरे ख्याल से देखते हैं यदि कोई एरर होगा तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ हमें इसे सिर्फ रिफ्रेश करना रहेगा, है ना। तो एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पर रियल टाइम आ रहा है, ओके ठीक है। एक बार फिर से हम क्या करते हैं कि अपडेट करते हैं, जैसे कि मैंने टाइम हटा दिया, मैं इसको अपडेट पर क्लिक करता हूँ, ओके अभी रिफ्रेश हुआ, देखिए यहाँ पर टाइम हट गया। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा फॉर्म चल रहा है, यानी कि हम फॉर्म को एडिट कर पा रहे हैं, अपडेट कर पा रहे हैं, और ऐड भी कर पा रहे हैं आइटम को, है ना, जो कि हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन में है। अभी हमारा इमेज वगैरह रह रही है, तो इसको भी अभी हम क्या करते हैं कि इसको परफॉर्म कर लेते हैं, यानी कि जो भी हमारे इमेजेस वगैरह है उस चीज़ के लिए भी। तो इमेज के लिए आपको क्या करना रहेगा कि यहाँ पर जैसे ही हमारा चेंज होता है वैसे हम क्या करेंगे, एक जो फंक्शन कॉल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर चेंज इमेज कर सकते हैं, या फिर अपलोड इमेज हम लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक चेंज इमेज नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने यहाँ पे इवेंट पास कर दिया। तो अभी चेंज इमेज नाम का फंक्शन हमें बनाना रहेगा अपनी स्टोर के अंदर भी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ बॉटम में हम एक चेंज इमेज नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं फॉर्म रीसेट से जस्ट ऊपर, यहाँ पर डालते हैं चेंज इमेज, और यहाँ पर हमें इवेंट यहाँ पर एक्सेप्ट करना रहेगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बना लेंगे, है ना। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर भी इंपोर्ट करना रहेगा चेंज इमेज को, इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। और यहाँ से जो हमारा स्टोर है उसके अंदर हम एक दिस डॉट इमेज करके हम एक वेरिएबल बना लेंगे, यानी कि स्टेट डिफाइन कर लेंगे स्टेट के अंदर। और यहाँ पर इवेंट के अंदर जो भी हमारा इवेंट हमने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है उसके अंदर हमें टारगेट और फाइल्स के जीरो इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो हम इमेज के अंदर डाल देंगे।
तो यहाँ पर जो हमारा स्टेट है उसको भी हमें यहाँ पर डिफाइन करना रहेगा। तो हमने यहाँ पर डाला इमेज और यहाँ पर हमने बाय डिफॉल्ट नल डाल दिया इसके अंदर, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा ब्लैंक रहेगा, अदरवाइज इसके अंदर जो डेटा जाएगा वो हम देख लेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हमारा इमेज जो है, इमेज के साथ में हमें एक फॉर्म यहाँ पर तैयार करना रहेगा एक अलग से। तो जो हमारा न्यू फॉर्म है उसको हमें यूज़ करना रहेगा जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि क्या होगा कि जो आपका मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा है ना, क्योंकि आप इमेजेस वगैरह अपलोड कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको क्या होगा कि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका इजीली यहाँ पर आप फॉर्म को आप हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म डॉट अपेंड के अंदर मैंने टाइटल डाल दिया कि आपको टाइटल लेना है, और साथ ही आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी ले लेना है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए आपको यहाँ पर लेना है टाइटल के साथ में, यहाँ पर टाइटल है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर जो टाइटल है उसकी जगह पर आपको लिख देना है यहाँ पर इमेज करके, दिस डॉट इमेज की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा आपका इमेज करके। तो यहाँ पे थ्री फील्ड्स हैं हमारी, जो कि टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और इमेज है, इसको हमने फॉर्म के साथ में हमने जोड़ दिया है ना। तो अब हमें क्या होगा कि यहाँ पे एक हेडर सेक्शन भी भेजना रहेगा, क्योंकि आप इमेज वगैरह यूज़ करें तो मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा जो है उसके अंदर ही आप इमेज भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा एक्सियस को कि इस रिक्वेस्ट के साथ में हम लोग इमेज भेज रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कंटेंट टाइप आपको डिफाइन करना रहेगा कि जो आपका टाइप है वो है इमेज, और यहाँ पे PNG आप लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी आपका कॉन्फ़िग आपका डिफाइन हो गया है ना। अब इस कॉन्फ़िग को आपको भेजना रहेगा, यानी कि इस फॉर्म के साथ में हर एक रिक्वेस्ट के साथ में। तो अब इस फॉर्म की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे जो आपका फॉर्म डेटा है वो ठीक है। साथ में आपको यहाँ पे पास करना रहेगा अपने हेडर सेक्शन को भी, तो जो भी आपका हेडर है वो है कॉन्फ़िग वेरिएबल के अंदर, तो वो आपने यहाँ पे पास कर दिया। सेम चीज़ आपको ऐड के साथ में भी करना रहेगा, तो यहाँ से आप इसको हटा दीजिए और यहाँ पे फॉर्म डेटा के बगल में आप जो यहाँ पर कॉन्फ़िग पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारी इमेज का हो गया, अभी हमें इमेज अपलोडिंग का कोड लिखना रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम लोग इमेज यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। अगर हमारी रिक्वेस्ट के साथ में इमेज आती है तो यहाँ पर चेक करते हैं कि इफ़ रिक्वेस्ट हैज़ फाइल, और यहाँ पर हमने यहाँ पर डाला इमेज कि अगर हमारे पास कोई एक रिक्वेस्ट है जिसके साथ में अगर इमेज है तो फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे इमेज अपलोड करनी है ना। तो यहाँ पे आपको फाइल और रिक्वेस्ट फाइल और यहाँ पे इमेज वो लिखना है, और यहाँ पे फाइल का जो नाम है वो हमें यहाँ पे लिखना रहेगा, तो वो हमें इमेज नाम के वेरिएबल में हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि फाइल, या डेट वेट हम लोग डिफाइन कर देते हैं क्योंकि वो यूनिक रहेगी, तो YMD हमने कर ले। साथ में आप इसको आवर्स और सेकेंड भी आप डाल सकते हैं जिससे कि और ज़्यादा यूनिक हो जाएगी वो। और यहाँ पे फाइल गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम करके आप रखेंगे, तो क्या होगा कि इससे जो आपकी फाइल है उसका नाम आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे फाइल को मूव कर देते हैं अपने पब्लिक पाथ के अंदर। तो आप यहाँ पे स्टोर के अंदर भी डाल सकते हैं, यानी कि जो आपका स्टोरेज है उसके अंदर, तो बट हम यहाँ पे पब्लिक पाथ के अंदर ही डाल देते हैं। वहाँ पे एक इमेजेस फोल्डर होगा और उसके अंदर हम यहाँ पर अपनी इमेज पास कर देते हैं जो आपका नाम है उस नाम से, ओके ठीक है। और ये जो इमेज है उसका नाम हम लोग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इसका इमेज नेम कर देते हैं इसका, है ना, ताकि हमें पता चल सके कि ये हमारे इमेज का नाम है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के नीचे हम लोग इसको पास कर देते हैं जो कि है हमारा यहाँ पे इमेज, और यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल्स है उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं कि जो है हमारा इमेज नेम करके। और यहाँ पे जो अपना टाइटल है उसको हम लोग थोड़ा यहाँ से अलाइन कर सकते हैं इस तरीके से। तो अभी हमारा पोस्ट क्रिएट होने के टाइम, यानी कि जैसे ही पोस्ट यूज़र क्रिएट करता है उस टाइम हमें क्या होगा कि इमेज हम अपलोड कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम चेक करते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लिया है, यहाँ पे हम डालते हैं टाइटल पोस्ट विद इमेज, या हम लिख सकते हैं या पोस्ट विद इमेज, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। इमेज हम लोग एक सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए एक हमने इमेज सेलेक्ट की और हमने इसको सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका पोस्ट क्रिएट हो चुका है, बट यहाँ पे आपको इमेज नहीं दिख रही है, राइट। यहाँ पे इमेज इसलिए नहीं दिख रही है, मे बी हम लोग अभी कोड के अंदर चेक करते हैं सबसे पहले। तो पब्लिक पाथ के अंदर इमेजेस है और यहाँ पे इमेज अपलोड हो गई है सक्सेसफुली, तो इमेज तो अपलोड हो रही है लेकिन हमें यहाँ पे व्यू पार्ट में नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पे पोस्ट इमेज, बट फिर भी हमें इमेज दिखनी चाहिए थी, बट हम यहाँ पे इमेज डाल के देखते हैं अपनी वाली जो है इमेजेस के अंदर, और वहाँ पर आपको मिलेगा पोस्ट डॉट इमेज करके। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे इमेज तो नहीं दिख रही है, ओके। तो इसको यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं कि हमें पोस्ट इमेज दिख रही है या नहीं दिख रही है। यहाँ पे एरर दे रहा है, बोल रहा है कि कर्ली ब्रेसेस आपने सही से नहीं लगाया, ओके यहाँ पे एक ही है। इसको दो करते हैं, सेव करते हैं और वापस से चल के देखते हैं, यहाँ पर हमें इमेज नहीं दिख रही है।
बल्कि आप यदि कंसोल में देखेंगे तो यहाँ पे एक एरर ज़रूर आ रहा है कि भाई आपकी इमेज लोड नहीं हो रही है, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो पास हो रहा है। ओके, यहाँ पे हमने फिलेबल प्रॉपर्टी हमने नहीं डिफाइन की है, राइट। तो हमें इसे फिलेबल प्रॉपर्टी हमें डिफाइन करना रहेगा। यहाँ पे इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो अभी हमें एक अलग से फिर से इमेज डालनी रहेगी, क्योंकि हमने फिलेबल प्रॉपर्टी के अंदर हमने डाला ही नहीं था, इसलिए डेटाबेस के अंदर इमेज गई ही नहीं। तो यहाँ पर हमने डाला इमेज अपडेट न्यू वन, और यहाँ पे एक इमेज हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए ये वाली हमने सेलेक्ट की, सेव करते हैं। ओके, तो अभी हमारी इमेज का नाम आया बट इमेज नहीं आ रही है, राइट। तो अब हमारी इमेज में प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग सही करते हैं यहाँ पर। तो अभी हम ऊपर का कंटेंट हटा सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमारा ये काम हो गया, हमें दिख रही है इमेज। और यहाँ से सोर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर डबल डॉट लगाते हैं, और यहाँ पर इमेजेस फोल्डर को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग प्लस का बटन लगा देंगे, जिससे कि हमारा क्या होगा कि ये वेरिएबल की तरह ये जुड़ जाएगा स्ट्रिंग के साथ में, है ना, जो भी हमारा डेटा पोस्ट इमेज के अंदर रहेगा। इसको हम सेव करते हैं और वापस इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए आपको यहाँ पे इमेज दिख गई, परफेक्ट। और यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो अब हमारी इमेज यहाँ पे दिख रही है, यानी कि जब यूज़र के पास यदि इमेज रहेगी तो वो यहाँ पे देख सकता है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा पिन या कोई भी चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि अपलोड इमेज व्यू थ्री एंड लारावेल डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम एक इमेज सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए इस टाइम हमने यहाँ पर रेडिस की इमेज सेलेक्ट की, उसको हम सेव करते हैं। तो सेव करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए इमेज आ रहा है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन उसका सब कुछ सही आ रहा है फिलहाल के लिए। अभी हमें एडिट का करना रहेगा, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर एडिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें इमेज अभी अपलोडिंग करनी है, यानी कि जो भी आप यहाँ पर इमेज अपलोड करेंगे वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने कोड नहीं लिखा अभी अपलोड के लिए। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओके, हमने यहाँ पे कॉन्फिग के अंदर हमने पास कर लिया है जो भी हमें डेटा चाहिए था। हमें क्या करना रहेगा कि अपने डेटाबेस के अंदर चेक करना रहेगा कि एपीआई के साथ में हमारी कॉल हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर के अंदर चल के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपडेट मैथड के अंदर हमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सेम चीज़ हम यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट सेव है, और यहाँ पर हम लोग इमेज डाल देते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है कि पोस्ट इमेज, और इमेज के अंदर आपको इमेज का नाम, जो भी आपके इमेज का नाम है वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी फील्ड हो जाएगा, और फिर आप यदि आप सेव करेंगे तो पोस्ट की इमेज भी मिल जाएगी उसको। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक एडिट करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर किसी भी एक को इसको एडिट करके देखते हैं, और यहाँ पर एक अलग इमेज हम लोग चूज़ करते हैं। मान लीजिए ये वाली इमेज है, इसको हमने सेव किया, अपडेट किया। तो अभी देखिए कोई एक एरर आ रहा है 500 का, बोल रहा है कि टाइटल कैनॉट बी नल। अब ये टाइटल नल आ रहा है इस केस में, है ना, बल्कि आप पेलोड के अंदर आप जाकर देखेंगे तो हमारा टाइटल यहाँ पे है, टाइटल डिस्क्रिप्शन और इमेज, हमें तीनों चीज़ें भेज रहा है। बट यहाँ पर आ रहा है कि भाई टाइटल आपका नल है और आप नल पास नहीं कर सकते, बट ऐसा केस है ही नहीं है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो एक्सियोस है वो क्या कर रहा है कि जो हमारा लारावेल है उसको वो कन्विंस नहीं कर पा रहा है कि आप जो है पुट मेथड के साथ में आप यूज़ कर पाओ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको फॉर्म डेटा और यहाँ पे डॉट अपेंड करना रहेगा, और यहाँ पे आपको मेथड पास करना रहेगा, है ना, इस तरीके से। ये हमारा पुट मेथड है ना। तो लारावेल का जो रिसोर्स है वो कुछ उस तरीके से काम करता है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर भेजना पड़ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक बार फिर से हम इसको ट्राई करते हैं। अभी हमने अपलोड पे किया, अभी भी 500 का आ रहा है, बट एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो नहीं आएगा, होपफुली। एक बार फिर से हम इसको एडिट करते हैं। मान लीजिए इसको हमने एडिट किया, और यहाँ पे मान लीजिए इस चीज़ को हमने एडिट किया, और यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं, ये वाली लिया हमने। अब यहाँ पर हमें अपडेट करना है, तो आप देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया, है ना। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है अपडेट भी कर सकते हैं आइटम को। अब हमारा डिलीट का रह गया कि हमें आइटम्स को डिलीट भी करना है। डिलीट करने के लिए आपको सेम जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक करके एडिट करवाया है वैसे ही आपको डिलीट का भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मान लीजिए डिलीट के लिए आपने यहाँ पर लिखा कि जैसे ही यूज़र क्लिक करता है वैसे हमें डिलीट आइटम कॉल करना है, और यहाँ पर पोस्ट डॉट आईडी आपको पास कर देनी है, राइट। अब जो ये डिलीट आइटम है उसको आपको डिफाइन करना रहेगा अपने स्टोर के अंदर, और यहाँ पर कॉल भी करना रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, और इसको फिर हम यहाँ पर अपने पोस्ट स्टोर के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। डिलीट आइटम ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है एक फंक्शन, तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक्सियोस डॉट डिलीट, यानी कि जो हमारी डिलीट रिक्वेस्ट है वो हम पास कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग डालते हैं API, और यहाँ पर पोस्ट, और यहाँ पर आपको आईडी पास कर देनी है जो आपको आईडी वहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पर आप लिखना आईडी, और यहाँ पर आपको फंक्शन के अंदर आईडी आपको एक्सेप्ट भी करना है, ठीक है। अब ये डेटा आपका डिलीट हो चुका है, तो जैसे ही आपका रिस्पांस आता है वैसे ही आप क्या कर सकते हैं कि
आप चाहे तो पेज को दोबारा रीलोड कर सकते हैं या आप एक और तरीका कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप एरे का यूज़ कर रहे हैं आप, राइट। तो यहाँ पर आप चाहेंगे तो आप यहाँ पर फैच कर सकते हैं डेटा को वापस से, या फिर फैच ना करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सबसे पहले आपको इंडेक्स देखना रहेगा कि कौन सा आइटम डिलीट हुआ है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है दिस डॉट पोस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, है ना, फाइंड इंडेक्स, और वहाँ पे पोस्ट का आईडी इक्वल टू होनी चाहिए हमारी आईडी के। तो जैसे ही ये हमारा कन्विंस होगा, यानी कि जैसे ही हमें इंडेक्स मिलेगा, वैसे ही हमें क्या करना है कि इसको हमें डिलीट कर देना है अपने एरे से भी, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा स्प्लाइस और इंडेक्स और यहाँ पे वन पास कर देना है। तो क्या होगा कि यहाँ पे एपीआई के साथ में भी आपका डिलीट हो जाएगा, राइट, और साथ में आप यहाँ से इंडेक्स से भी आप उसको हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर आपको पास करना रहेगा कि ये हमारा पोस्ट डिलीट करके, है ना। तो आप इस तरीके से भी आप जब कर सकते हैं, या आप वहाँ पर रिस्पांस चेक कर सकते हैं कि यदि रिस्पांस में अगर यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आता है तो ही आपको डिलीट करना है ना, कुछ इस तरीके से थोड़ी आप कंडीशन आप डाल सकते हैं वहाँ पर। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर एक आइटम को हम जो डिलीट करते हैं, मान लीजिए हमने डिलीट किया एक आइटम को, ओके। अभी हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कोई एरर वगैरह आ रही है तो इसको हम सही करेंगे। 500 का एरर आ रहा है यहाँ पर, 500 का एरर, पोस्ट यहाँ पर फैच किया हमने, इसको डिलीट किया, ओके। एक बार फिर से देखते हैं, इसको हमने वापस से क्लिक किया तो 404 का एरर आ रहा है, 404 का कि नॉट फाउंड हो रहा है एक तरह से। इसको हम वापस एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ऐसा करते हैं तो यहाँ पे दो आइटम डिलीट हो रहा है, यानी कि आइटम तो डिलीट हो रहा है, इट मीन्स कि कुछ एरर ऐसा है जैसे कि यहाँ पर रिस्पॉन्स का है, ओके। तो जो भी आपने रिस्पॉन्स में मिस्टेक की उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स में थोड़ा सा टाइपो एरर था, उसकी वजह से वो दिक्कत कर रहा था। तो अभी हम फिर से एक बार डिलीट करते हैं। तो यहाँ देखिए, आप जो आइटम्स को सभी को मैंने डिलीट कर दिया, और एक बार फिर से हम यहाँ पर टेस्ट डालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डाला टेस्ट पोस्ट, और यहाँ पर डाल दिया हमने डिस्क्रिप्शन, इसको हम यहाँ पर एक इमेज से सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर हम इसको करते हैं सेव, ठीक है। एक आइटम यहाँ पर अपना सेव हो गया। एक और आइटम हम लोग यहाँ पर सेव कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा हमने सेकेंड पोस्ट, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, और उसका यहाँ पर हमने यहाँ पर इमेज सेलेक्ट कर ली, इसको भी हम यहाँ पर सेव करते हैं। देखिए दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पर सेव हो चुकी हैं। अब इसको यदि आप एडिट करना चाहें तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, इमेज आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे इमेज भी आप जो चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमने इमेज चूज़ कर ली, तो अब देखिए यहाँ पे सेकंड इमेज यहाँ पे चेंज हो चुकी है, है ना। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि ऐड एडिट डिलीट हमारा पूरा परफॉर्म हो गया। अब हम यहाँ पर लोडर लगा के देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमने लोडिंग हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, जैसे ही वो फैच कर रहा होगा डेटा को वैसे ही हमें लोडर अपना स्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ देखिए अपना लोडिंग यहाँ पे ट्रू हो गया, और जैसे ही फाइनली में जाता है वैसे ही आपको यहाँ पे लोडर को फॉल्स कर लेना है, यहाँ पे फॉल्स, और इसको हमें पोस्ट डॉट व्यू में यूज़ करना रहेगा। पोस्ट डॉट व्यू में यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर चलना है, यहाँ पे लोडर सबसे पहले आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, यानी कि लोडिंग, और यहाँ पर टॉप में हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं अपने लोडर को। तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर लेना है ताकि जो लोडर है वो आपका सेंटर में आ सके, है ना। और यहाँ पे वी इफ लगा देना है कि लोडिंग, अगर ये लोडिंग स्टेज में हो तो आपको ये चीज़ शो करना है। और यहाँ पर आपको लिखना है स्पिनर, और यहाँ पे बॉर्डर, और यहाँ पे आपको लिखना है पोजिशन एब्सोल्यूट, ताकि क्या हो कि उसकी वजह से आपका पेज फ्लिकर ना करे, वो आपको ध्यान देना है। रोल आपका स्टेटस हो गया, और यहाँ पर आपको एक स्पैन टैग के अंदर एसआर ओनली आपको डिफाइन कर लेना है, है ना, क्लास एसआर ओनली, और यहाँ पे आपको डाल देना लोडिंग करके, राइट। और यहाँ पे इसको सेव करते हैं। अब इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो अभी देखें, अब अभी हम कोई डेटा अपडेट करते हैं यहाँ से। तो मैंने इसको यहाँ पे अपडेट किया, मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट पोस्ट, यहाँ पे अपडेटेड विद लोडिंग या लोडर, इस तरीके से इसको कॉपी करते हैं और इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, है ना, दो तीन बार कॉपी पेस्ट करके। और एक इमेज हम यहाँ से उठाते हैं, मान लीजिए हमने इमेज उठाई, ओके, ऐसे ही इसको अपडेट करके देखते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर वो लोडर आपका चला था, बट उतना सही से दिखा नहीं हमें, है ना। तो एक बार फिर से हम लोग इसको क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे विद लोडर, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। एक हम इमेज यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए इस टाइम हम लोग ये वाली इमेज सेलेक्ट करते हैं, इसको अपडेट करते हैं, देखिए लोडर आपका दिख रहा है ना। तो लोडर आपका चल रहा है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए लोडर आपका दिख रहा है ना। तो यदि आप कुछ पोस्ट यदि आप एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, तो भी आप यहाँ पे लोडर वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं। वैसे फैच के साथ में तो लोडर चल ही रहा है। अभी हम चाहेंगे तो यूआरएल को हम एक जगह पे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस यूआरएल को हम जो यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ताकि यदि आपको चेंज करना होगा कल को तो आप यहीं पर आप करेंगे, आपको हर जगह जाके नहीं करना पड़ेगा। और दिस डॉट यूआरएल आप यहाँ पे पास कर सकते हैं।
वैसे ही सेम आपको यहाँ पे अपडेट के अंदर भी करना रहेगा, यानी कि जैसे ही आप ऐड कर रहे हैं या फिर अपडेट की आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम भी आप API कॉल आप यूज़ करें। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पर आपने API यूज़ किया हुआ है API पोस्ट करके, वहाँ पर आप कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं दिस डॉट URL करके। यहाँ पे डिलीट के यहाँ से भी हम लोग हटा देते हैं, तो यहाँ पे हमने डाला दिस डॉट URL, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं, इसको हम करते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो अभी देखें आपका सब कुछ आ रहा है, यानी कि आप पोस्ट को यहाँ से आप जो है ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, है ना। इमेजेस आप जो चेंज कर सकते हैं, इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे परफॉर्म कर पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। आपको यदि आपको डिलीट करना है कोई आइटम तो आप जो डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। तो अभी आपका क्रड ऑपरेशन पूरा चल रहा है जो आपका पीनिया के अंदर चल रहा है, यानी कि जो आपकी स्टोर मैनेजमेंट है। अभी हमें ये डेट चेंज करना है कि 20 मिनट्स है को, ये अभी हमारा स्टैटिक चल रहा है। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना रहेगा कि यहाँ पर जो आपकी डेट है, जैसे कि यहाँ पर आपने 20 मिनट्स बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, इस चीज़ को हटा करके आप चाहेंगे तो आप यहाँ पे पोस्ट डॉट क्रिएटेड एट आप लिख सकते हैं। आपने यहाँ पर लिखा क्रिएटेड एट, आप इसको सेव कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको क्रिएटेड एट डेट आपको मिल रही है, बट ये अच्छा तरीका नहीं है डेट शो करने का, यानी कि आपको यूज़र के हिसाब से आपको सोचना रहेगा कि आपको यूज़र को कैसे कन्विंस लग सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि पोस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि एक जो है एक्सेसर आप जो क्रिएट कर सकते हैं। तो लारावेल 9 के अंदर आप कुछ इस तरीके से करते हैं। मान लीजिए आपने लिखा पब्लिक फंक्शन और यहाँ पे आपने क्रिएटेड एट आपको चाहिए होगा, तो आपने यहाँ पे लिखा क्रिएटेड एट जो आपकी फील्ड का नाम है, और यहाँ पे एट्रीब्यूट आपने पास कर दिया कि यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर क्या होगा कि रिटर्न करना रहेगा एट्रीब्यूट मेक, और यहाँ पर आपको पास करना है जो भी आपके गेट है या सेट है वो चीज़ें। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा गेट है, यानी कि गेटर हो गया एक तरह से एक्सेसर, और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो आपने एक फंक्शन के अंदर पास किया, और उस फंक्शन के अंदर आपने क्या किया कि डेट को मॉडिफाई कर दिया कि जैसे ही यूज़र क्रिएटेड एट को एक्सेस करता है वैसे ही आपको डेट आपको भेजना है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर। उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है डिफ फॉर ह्यूमंस, ठीक है। आप इसको सेव कीजिए, और ये चीज़ क्रिएटेड एट आपको एट्रीब्यूट यहाँ पर आपको यूज़ भी करना रहेगा। तो आपने यहाँ पर लिखा इल्यूमिनेट, यहाँ पर डेटाबेस एलोक्वेंट, और यहाँ पे कास्ट करके, क्योंकि आप कास्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर आपने एट्रीब्यूट का नाम जो आपने एट्रीब्यूट किया हुआ, राइट। अब आप इसको सेव कीजिए, और यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखें यहाँ देखिए 2 मिनट्स है गो, यानी कि ये पोस्ट 2 मिनट पहले बनाई गई थी, 7 मिनट्स है गो, 7 मिनट्स है गो। तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप जो डेट को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट आपकी API में ही चेंज हो गया है। यदि आप चाहेंगे तो आप इसको फ्रंट एंड पे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको वापस एक और इमेज यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हो रहा है। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर देखें सेव किया हमने। अब देखिए 1 सेकेंड एगो, ये अभी जस्ट क्रिएट की गई, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप जो डेट को भी आप जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम कैसे लारावेल व्यू 3 के अंदर और पीनिया का यूज़ करके हम कैसे स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, कैसे क्रड ऑपरेशन बना सकते हैं विद इमेज के साथ में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई इश्यू है इसके साथ में, यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।